अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये तो सिनेमा में आपको मालूम पड़ेगा, पहले ओपन करना। तो सर सस्पेंस से यहाँ पे बहुत सारे क्रिएट है, आप भी एज ए प्रोड्यूसर कितना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी मूवी को लेकर? सस्पेंस नहीं है, पर कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं उसे साइलेंट रखा जाए तो ही ठीक है। आज इस तरह से बाबू का चौथा बर्थडे मनाया, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहूँगा कि टाइम निकाल के सब गुलशन सर आए, अमित सर आए, अर्जुन सर आए और धूमधाम से बर्थडे मनाया गया। उम्मीद तो नहीं थी कि शॉर्ट टाइम से सब सेटअप हुआ था, पर फिर भी बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। तो आज ये मूवी की आप अनाउंसमेंट कर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मूवी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? अब अमित सर ने जी तो बता ही दिए, तो आगे फ्लोर पे जाएगी तो स्टेप बाय स्टेप ओपन होगी। क्योंकि कलाकारों की बात की जाए तो कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे? इट्स अ सरप्राइज। सरप्राइज एंड यंगस्टर पे फिल्म है तो हीरोगिरी वाली फिल्म नहीं है, स्टारडम वाली फिल्म नहीं है कि हम स्टार्स पे पैसे खर्च करें या वो करें। हम जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे फिजिकली मेंटली या फिर मनी को लेके, तो हम स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहे हैं कि हमारी फिल्म का हीरो हमारी स्क्रिप्ट है। हम एक क्लीन चिट फिल्म देना चाहते हैं, मतलब कि जितनी ऑडियंस है, जो भी भोजपुरी जानती है, चाहे वो फॉरेन में रहते हो, ओवरसीज हो या इंडिया में हो, जो भी हो, तो बोले हाँ यार ठीक है। हर तरह की फिल्म आती है, मसाला बहुत सारी आती रहती है, मसाला फिल्में भी आती हैं। तो इसी बीच में एक क्लीन चिट ऐसी यूथ पे भी फिल्म आई है। यूथ पे फिल्में बहुत कम आती हैं, अगर आती भी हैं तो वही मसाला, वही नाच गाने या सब कुछ है। तो ये बात करें जैसे फिल्में, भोजपुरी फिल्में जिस तरह से कहीं कहीं बोली जाती है फिल्म ऐसी है, जबकि फिल्मों के अंदर कुछ होता नहीं। हाँ, गानों के लेकर के थोड़ा सा, कि YouTube या सोशल मीडिया नहीं, नहीं देखिए, गाने देख के लोग अंदाजा लगाते हैं भोजपुरी फिल्म की छवि खराब है, जबकि भोजपुरी से आप कह रहे हैं आपको गानों में कितनी सहूलियत बरते हैं, क्योंकि मेन गानों से। बिल्कुल 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 सही सवाल है, बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट सवाल पूछा कि हमारी स्क्रिप्ट में डिमांड ही नहीं है। बेसिकली अगर डिमांड होती तो डेफिनेटली मैं भी वल्गर गाने डाल देता है, डबल मीनिंग डाल देता। डिमांड नहीं है इस स्क्रिप्ट में, नहीं है। ये स्क्रिप्ट मैंने बताया ट्रू लव स्टोरी पे है, और ट्रू लव स्टोरी पे है, और एक मकसद इस स्क्रिप्ट के अंदर के किरदारों का एक मकसद है जिसे वो पूरा करने के लिए जिंदगी से लड़ाई लड़ते हैं, और वो उस उनको उनकी कहानी पे इंस्पायर्ड ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो इसमें वैसा कोई डिमांड ही नहीं है कि हम कुछ ऐसा मसाला डालें। गाने हैं जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है, कर्णप्रिय गाने होंगे, और नो डबल मीनिंग, कोई किसी गाने में एक वर्ड भी डबल मीनिंग हम नहीं डालना चाहते, और जो भी गाने हैं वो सिचुएशनल वाइज है, मतलब इन द सेंस स्क्रिप्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग है। तो वो है, एंड स्क्रिप्ट की डिमांड ऐसी भी नहीं है कि हम किसी सीन में वो अगर कोई सीन डालें या हम डबल मीनिंग कोई वर्ड बोले, ऐसी स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं है, तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो पूरी क्लीन चिट एक यूथ पे बेस्ड फिल्म है। बात करें जो है कि आज चौथा जन्म मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? बिल्कुल आगे चल के बहुत तरक्की करे वो, और बहुत सिंसियर बने, और दुनिया को समझे सबसे पहले। और गुलशन जी ने एक बात बोली कि जैसे मुझे भोजपुरी से बहुत प्यार है, लेकिन मैं खुद 12-14 साल से इंडस्ट्री में रहने के बाद भी पहली बार भोजपुरी कर रहा हूँ। मुझे बहुत प्यार है, लेकिन क्या है कि इन्होंने एक बात कही वो सही है कि वो नहीं बोलना चाहिए, बट मेकिंग जो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं किसी फिल्म को बनाने के लिए, भोजपुरी में भी स्टार को लेके या जो भी है, लेकिन काफ़ी मनी अदर चीज़ों में वेस्ट हो जाती है, चाहे वो स्टार ले जाएं पैसे को या किसी के पास भी चले जाएं। मेकिंग में ना के बराबर पैसे खर्च होते हैं, जबकि अगर उसी का 80% पैसा मेकिंग में खर्च हो, तो जितने बजट की फिल्म किसी स्टार को लेके बनाई जाती है, उसमें अगर मेकिंग में वही पैसा टोटल खर्च कर दे, रियली में देखा जाए तो, ऑनेस्टली अगर खर्च करे कोई, तो बहुत खूबसूरत फिल्म बना सकते हो। बट फ्लोर पर जाते जाते इतना बढ़ चुका होता है, चाहे वो स्टार के पास चले गए हो या कहीं और चले गए हो, पता नहीं जो भी है, तो इतना बचता ही नहीं है। फिर कितना भी बड़ा स्टार लें आप, मेकिंग के लिए आपके पास वो पर्टिकुलर इतना, मतलब
एक मेकिंग का जो बजट है, जो मेकिंग की डिमांड है, आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड है, उतना अगर नहीं है, आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जहां पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, जहां पे आपको चाहे रिक्वेस्ट करके या जैसे भी कि आप यहां थोड़ा सा भोजपुरी को बढ़ावा दें, थोड़ा आप ये करें और मेकिंग पे हम पूरी फिल्म का कॉस्ट ले जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन पता नहीं, प्रोड्यूसर की मजबूरी है, डायरेक्टर की मजबूरी है, फिर कितना भी बड़ा स्टार हो, अगर मेकिंग का वो सिमट जाएगा तो बड़ा स्टार लेके भी फिल्म मेकिंग तो ऑडियंस देखेगी ना कि हाँ अरे कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा गुलशन जी, आप क्या कहें, बर्थडे जो मनाया गया चौथा धूमधाम से, ये देखो एकदम से ये ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम बना और बर्थडे कर गया, बहुत अच्छा, तालियां इनके लिए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया यहाँ सब, और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब की तरफ से आशीर्वाद है, और उसके संस्कार नजर आए। वैसे भी छोटा सा बच्चा कूद के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, वो हमें दे दिया, जैसे उसका सर ढका गया, कहता है हमारी शादी नहीं हो रही है, जन्मदिन है। तो बहुत अच्छा, बहुत तरक्की, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो इंटेलिजेंट है, तरक्की करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, और हम सब की दुआएं दुआएं उसके साथ। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसरा से जुड़े हुए हैं और आज बर्थडे पे एक बड़ा शुभारंभ काम शुरू किया गया है।